हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है लोकेश गेमर के बारे में। तो लोकेश गेमर ने ये बताया कि बहुत ही जल्दी वो अपने एक और गेमिंग हाउस का वीडियो लाएंगे और इसके साथ ही वो एक वीडियो लाएंगे जिसमें वो कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये रिकॉर्ड क्या होगा इसके ऊपर बात करते हुए लोकेश गेमर ने क्या कहा था, सुन लीजिए। और मेरे पास मैं एक नया वीडियो कल आज डालूंगा मैं, जिसपे एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा मैं, जिसमें हमारे पास शायद गाइस देख सकते हो 200 मैजिक क्यूब प्लस हो जाएंगे, मतलब 200 मैजिक क्यूब्स आईडी में हो जाएंगे मेरे। तो सोचो नया रिकॉर्ड बनने वाला है तुम्हारे भाई का, जिसमें 200 से ज़्यादा मैजिक क्यूब मेरे अकाउंट में होंगे, 200 से ज़्यादा, 150 40 नहीं 200 से ज़्यादा मैजिक क्यूब इस बार होने वाले मेरे अकाउंट में। तो सोच लो गाइस कुछ नया आने वाला है, ठीक है? कुछ नया क्या, बहुत कुछ नया आने वाला है। एंड बस और कुछ नहीं, और एक और गेमिंग हाउस का वीडियो आपको बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? बहुत बहुत ही जल्दी गेमिंग हाउस का वीडियो आने वाला है आपके लिए। हमारा अगला न्यूज है जीएसके वेरीफाइड के बारे में। तो जीएसके वेरीफाइड का जो फर्स्ट गिल्ड था वो स्कैम हो गया और उनके इस गिल्ड से सभी को किक कर दिया गया है। और इसी के बारे में जानकारी देते हुए जीएसके वेरीफाइड ने अपने इंस्टा पर ये स्टोरी शेयर किया। अगला न्यूज है रोकियन आरडीएक्स के बारे में। तो अभी आप लोग भी रोकी भाई की तरह कास्टर बन सकते हैं और कास्टर बनने का ये मौका आपको खुद रोकी भाई देंगे। तो ये कैसे होगा और आप लोग कैसे कास्टर बन सकते हैं इसके ऊपर बात करते हुए रोकी भाई ने क्या कहा था, सुन लीजिए। आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। जैसा कि आप सबको पता है कि रॉकी भाई इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि देयर इज अ चांस फॉर बीइंग द नेक्स्ट रॉकी, द नेक्स्ट फेस ऑफ द कास्टिंग वर्ल्ड। अगर आप भी चाहते हो रॉकी बनना, अगर आप भी चाहते हो शाउटर कास्टर बनना, अगर आपके पास टैलेंट है तो मौका आपको हम दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए गाइज आपको अपने ऑडिशंस देने पड़ेंगे। इसी गाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अगर आप भी बनना चाहते हो अगला रॉकी, अगर आपको भी चाहिए शौहरत और अगर आपके पास है शाउट कास्टिंग का टैलेंट, तो मौका आपको दे रहे हैं हम। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऑडिशंस देने पड़ेंगे और ऑडिशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो जो है राउंड बिल्कुल ही ओपन है, कोई भी ऑडिशन दे सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इंस्टाग्राम, आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम है हक से रॉकी, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम हक से रॉकी पे आके जो है अपना ऑडिशन देना है। और ऑडिशन के लिए जो शुरुआती चार लाइंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले होगा गुड इवनिंग, उसके बाद आपको कहना है कि आपका नाम क्या है, और उसके बाद वेलकम टू क्रिटिकल एक्स। जी गाइस, वेलकम टू क्रिटिकल एक्स। और आइए देखते हैं आज कौन सी टीम्स खेल रही हैं। आई रिपीट, आपको चार लाइन केवल बोलने हैं अपने ही अंदाज में, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा बोलने की जरूरत नहीं है आपको, अपने ही अंदाज में आप कुछ इनोवेशन भी कर सकते हो। फेस कैम ऑन रख के बोलना है, क्योंकि जो कास्टर होगा उसको रॉकी बनने का मौका मिला तो सिर्फ मुंह से नहीं, उसको कैमरे में भी आना है। तो अपना जो क्लिप है वो अटैच करके मुझे जरूर भेजिएगा इंस्टाग्राम पे। जी गाइस, और आपके चार लाइन होंगे, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है रॉकी रायचंद, स्वागत है आप सबका क्रिटिकल एक्स में। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी टीमें खेल रही हैं इस ग्रैंड फिनाले में। ये चार लाइंस आप अपने अंदाज में कुछ भी इनोवेशन डाल के जो है दिखा सकते हो। बेसिकली हमें जो है आपका फेस कैम, आपका जिस किस्म का जॉली फेस और शाउट कास्टिंग है उसके बारे में हमें जानना है। शुरुआत में हम सिर्फ ये चार लाइन देखकर ये देखना चाहते हैं कि कौन से प्लेयर कौन से कास्टर्स जो है उनको हम शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम है हक से रॉकी। साहिल, गुड मॉर्निंग ब्रदर, प्लीज लिंक स्पैम कर दीजिए एंड उसमें लिख देना कि फॉर द कास्टर्स ऑडिशन प्लीज फॉलो हक से रॉकी एंड आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अपनी क्लिप भेजोगे। अब बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पे फेक गिवअवे करते हैं, पर काफी सारे लोग बिना जाने इन चैनल पे जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और कभी कभी आईडी पास मांगने से लोग अपना आईडी पास देते हैं जिससे उनका आईडी स्कैम होता है। तो ऐसे ही फेक चैनल को ज्ञान गेमिंग ने लाइव पे एक्सपोज किया और खुद ज्ञान गेमिंग ने लाइव पे चेक करते हुए दिखाया कि ये सब फेक है और आप लोगों को इन फेक चैनल से दूर रहना चाहिए। तो ये पूरा सीन क्या था और इसके ऊपर वार्निंग देते हुए ज्ञान गेमिंग ने क्या कहा था, सुन लीजिए। गाइस, आप जो भी देख रहे हो साइलेंट गेमर खाते हुए स्कूल में जाना, इसको भी सांसद कर रखते हैं बंदे को यार। सब
मैं सुना कि सर मैं खुद देखा हूँ तुम चीटिंग करते बोल रहे हो। ओके मैं तुम्हारा सुपरचेट रिमूव कर रहा हूँ। ओके चलो इसको मैं रिमूव कर दिया। ओके गाइस यार असली तेरे को पता चला होगा मैं क्यों तेरे को रिमूव किया। मैं 16 जनवरी को गिवे कर रहा है रियली क्यों देख मैंने अभी भी एक बंदे को फेक पकड़ा तो उसको मैंने खुद सुपरचेट लात मार के भगा दिया समझ रहा है। ये तो पूरा फेक ही है ब्रो ये क्या रियल है। साइड कौन सी साइड है साइड लग रहा है ये कौन सी साइड है ये बंदा कौन सी टॉप से कैसे कर रहा है देखता हूँ जिसके यूडी डाल के देखता हूँ किसका यूडी क्या पता। कभी कभी कैसे ऐसे चेक करना चाहिए यार गिरना। अबे ये क्या चीज़ है ये भाई साहब कहाँ का कुछ 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 ये साइट का नाम क्या है .com का आएगा इसको साइट पर कुछ पता चल रहा है यार कैसे दिखा रही है क्या बोल रही है ज्ञान मैरिड घंटा रेड यार सब फेक बंदों को मेरे नेट करो यार। कहाँ से रिडीम कर रहा है रिडीम दिखा मुझे देख रहे हैं मुझे कहाँ रिडीम कोड कहाँ है ब्रो। रिडीम आप तो रिडीम कोड देगा कहाँ मैंने क्या बोला ये लो। अरे भाई ऐसे फेक चीज मत किया कर जो तू करता है ना एसडब्ल्यू गेमर ब्रो ये सब मत किया कर इससे अच्छा बंदे को बुला उसको एक कोड दे एक मतलब 10 का कोड दे दे तब भी खुश हो जाएगा। मगर ऐसे फेक साइट बुला के क्या फायदा बता फेक साइट करके कुछ फायदा है वो सो साइट को कोई बंदा टॉप अप नहीं उड़ता है तू टॉप दे रहा है यार बोलो तो यार गलत बात है। ओके ब्रो ऐसा मत किया कर अच्छी चीज किया कर अच्छा लगेगी यार फेक साइट भाई खोल के तुम लोग भी गांडू हो भाई यार। अगला न्यूज है टोंडे गेमर के बारे में। तो कल हमने आपको ये न्यूज दिया था कि टोंडे गेमर किसी को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन गए थे। तो अभी इसके ऊपर टोंडे गेमर ने अपने इंस्टा पे एक और स्टोरी शेयर किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिसको वो ढूंढ रहे थे वो मिल गया और ये सब क्या सीन था इसके बारे में टोंडे गेमर बाद में बताएंगे। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसके ऊपर टोंडे गेमर ने क्या कहा। सो भाई इसमें एक बार खेल के देखो ना आप। सो भाई कल कहाँ खो गए थे बताओ। सुबह भाई मिल गए गाइस डोंट वरी ओके अब क्या हुआ था आपको बताएंगे बाद में ठीक है। और कल बॉस ऑफिशियल ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया जिसमें बॉस ऑफिशियल ने 18 प्लस टिकटॉक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले यूट्यूबर को क्रिटिसाइज किया और इसमें बॉस ऑफिशियल ने उन लोगों से ये पूछा कि उन लोगों की फैमिली उनके वीडियोस देखते हैं या नहीं और इसके साथ ही बॉस ऑफिशियल ने इन लोगों को टोंट मारते हुए कहा ऐसे बनोगे इन्फ्लुएंसर। तो इसमें बॉस ऑफिशियल ने जो भी कहा उसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो एमबीजी आर्मी ने कम्प्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर और AS गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स सो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके साथ ही आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।